हेलो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और उम्मीद है कि कृष्ण कन्हैया जो है उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो देख लेते हैं अब आज की जो न्यूज़ आई है, वीडियो भर्ती परीक्षा। ठीक है, तो ये पुरानी वाली जो एक परीक्षा थी 2016 की, उसमें भी जो है विवाद हुआ था और उसके बाद पेपर वो दोबारा हुआ था। तो उसमें क्या हो रहा है, अब वीडियो भर्ती परीक्षा में भी गिरफ्तारी संभव। तो 7 साल पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें OMR शीट से छेड़छाड़ के मामले में विजिलेंस जल्द गिरफ्तारी कर सकती है, यह संकेत ASP विजिलेंस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो रेणु लोहानी है, तो उसमें बताया गया था कि 2015-16 की वीडियो भर्ती परीक्षा कि OMR शीट से छेड़खानी की शिकायत विजिलेंस को मिली थी। ASP विजिलेंस रेणु लोहानी ने बताया कि जांच में विजिलेंस के हाथ में अहम सुराग लगे हैं। उन्होंने बताया कि OMR शीट से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में कोई व्यक्ति नामजद नहीं हुआ था। जांच के बाद विजिलेंस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। जाँच में कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, तो अब देखो जब जांच हुई है तो देखो पिछले वाले घपले के भी लोग पकड़े जा रहे हैं। ठीक है ना, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि अगर पूरे लोग गिरफ्तार नहीं होते तो कोई ना कोई गैंग क्या है उत्तराखंड में फिर रह जाता है और अगली परीक्षाओं में फिर वही और लोगों को जोड़ के दोबारा से घोटाले करने ना पैसे लेने शुरू करता है। तो ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म होने का तरीका वही है कि सख्त कानून बनाए जाए, उन लोगों की संपत्ति जब्त हो। है ना, जो सचिवालय के 2 अधिकारी पकड़े गए थे, एक गौरव चौहान है और एक और है, तो उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मतलब उन्हें निकाला नहीं गया है। अब इसमें देख लेते हैं, देखो अभी तक जो हमारी ये वाली भर्ती है बाद वाली, उसमें कितने लोग गिरफ्तार हो चुके, तो अभी तक 19 गिरफ्तार हुए। इसमें सुरवीर सिंह चौहान, कुलवीर सिंह जो कोचिंग संस्थान के हैं करणपुर डेल्टा कोचिंग, मनोज जोशी जो UK SSSC में भी काम कर चुके हैं और PRT जवान, गौरव नेगी, जयजीत सिंह जो प्रोग्रामर, इन्होंने भी पेपर है ना निकाला, मनोज जोशी कनिष्ठ सहायक जो सितारगंज में कोर्ट में है, अभिषेक वर्मा ये कर्मचारी हैं लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस के, इन्होंने ही जो है तीनों पेपर सेट की फ़ोटो खींच के टेलीग्राम पे उसको दिया था। दीपक चौहान जो HNB मेडिकल यूनिवर्सिटी सेलाकुई में संविदा पे कर्मचारी थे, भाविश जगुड़ी ये भी वहीं थे संविदा पे, दीपक शर्मा, ठीक है, अमरीश कुमार उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी, इनको तो सस्पेंड किया जा चुका है, महेंद्र चौहान ये भी कनिष्ठ सहायक है नैनीताल हाईकोर्ट, हिमांशु कांडपाल ये भी कनिष्ठ सहायक है, ठीक है, रामनगर हाईकोर्ट ये रामनगर कोर्ट में। तो देखो कोर्ट वाले इतने पकड़े गए हैं, इसका मतलब उस जो हाईकोर्ट भर्ती थी उसमें भी जाँच की ज़रूरत है। ठीक है ना, और वहाँ पे भी गड़बड़ हुई है, साफ साफ पता लग रहा है, क्योंकि उन्हीं के नाम आ रहे हैं आगे भी। फिर है तुषार चौहान, गौरव चौहान, यह हैं अपर निजी सचिव जिनकी हम बात कर रहे हैं, तुषार चौहान और सूर्य प्रताप सिंह, इन दो को अभी तक जो है सचिवालय के द्वारा सस्पेंड भी नहीं किया गया है। ठीक है, तो कई बार ऐसे होता है कि नाम आ जाता है और उसके बाद धीरे धीरे क्या है लोग भूल भी जाते हैं और उनकी दोबारा से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना सस्पेंशन होता है ना नौकरी जाने का, तो खैर बहुत दूर की बात है। लेकिन जब इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तो इन लोगों की हिम्मत क्या है अगली बार और बढ़ेगी, फिर अगली बार ये ढूंढते हैं है ना, जैसे शिकारी शिकार ढूंढता है, या ऐसे ढूंढते हैं कि कौन 15 लाख देगा, कौन 20 लाख देगा, कौन बड़ी पोस्ट के लिए 30 लाख देगा, तो इस तरीके से ये ढूंढते हैं। तो इसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए और जो सारे बेरोजगार हैं उनको मांग करनी चाहिए इस चीज़ की, अगर आगे की परीक्षाएँ सही चाहते हैं सब छात्र तो उनको मांग करनी चाहिए। ठीक है ना, हाकम सिंह रावत ये तो काफ़ी चर्चा में है ही, जिला पंचायत सदस्य जखोल, और सबसे बड़ी बात देखो इनका नाम फॉरेस्ट गार्ड में भी था। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की जो 4 सीट थी FIR उसमें नाम था लेकिन हटा दिया गया किसी न किसी नेता के प्रभाव में। ठीक है, अब किस नेता के प्रभाव में हटाया ये आप खुद ही समझ जाओगे। तो इसका मतलब फॉरेस्ट गार्ड में जो इन्होंने बंदे लगाए थे अपने, क्या अब तक वो 20 लगाए, 50 लगाए, 100 लगाए, जैसे वीडियो में इन्होंने किया है काम, 60 इन्होंने बताए, तो वहाँ भी पता नहीं कितने किए, लेकिन वो उनमें से एक भी पकड़ा नहीं गया। कारण
क्योंकि उनका जब मालिक ही छूट गया है ना, तो हाकम सिंह रावत का जो नाम था चार सीट में, तो वो एक बड़ी वो है, और उन्होंने कितने व्यक्ति लगाए, तो उनको भी नौकरी से बाहर करना ज़रूरी है जो फॉरेस्ट गार्ड में लगे हैं हाकम सिंह की कृपा से। ठीक है, जो मेहनती हैं देखो वो तो कर ही रहे हैं अपनी जॉब, सभी कर रहे हैं, लेकिन जो इस तरीके से जाएंगे उनके खिलाफ़ तो आवाज़ उठेगी और आंदोलन भी होगा। शिक्षक तनु शर्मा जिन्हें अभी हाल ही में किया गया गिरफ्तार, ठीक है, ये उत्तरकाशी में शिक्षक हैं और वर्तमान में रायपुर देहरादून में रहते हैं, घर यहाँ अंकित रमोला नौगांव उत्तरकाशी में। तो ये सब हैं, 19 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, ठीक है, और धीरे धीरे अब पता चलेगा एसटीएफ की क्या रिपोर्ट है, उसी के आधार पे पेपर का फैसला लिया जाएगा। ठीक है, कि सेग्रीगेशन होता है या रद्द जो भी कैंसिल होता है पेपर, उसके आधार पे ही डिसीजन होना है, कितने व्यापक स्तर पे हो रहा है तो तभी फैसला कुछ आ पाएगा। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं इसमें कि कम से कम अगली परीक्षाओं के लिए तो अच्छे से हो, तो इसके लिए आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है, खासकर सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, जो पिछली 2016 का वीडियो था उसमें गिरफ्तारी हो रही है फॉरेस्ट गार्ड में, और गिरफ्तारी होनी चाहिए वन दरोगा के लिए, तो है ना बड़ूनी जी ने रिकमेंड कर दिया था, सात उसमें सात उन्होंने पहचान किए हैं, तो और भी धीरे इसमें पता चल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही अपडेट है, धन्यवाद।